आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पे। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हुई, डिवाइडर से टकराकर बाइक में लगी आग। ग्रामीणों ने बाइक सवार को बचाया, इलाज के लिए भिजवाया हॉस्पिटल। हुसैनगंज थाना क्षेत्र की घटना, फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक हुई अनियंत्रित, डिवाइडर से टकराकर बाइक में लगी आग। ग्रामीणों ने बाइक सवार को बचाया, इलाज के लिए भिजवाया गया हॉस्पिटल। हुसैनगंज थाना क्षेत्र की घटना, हुसैनगंज थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से जा टकराई, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। ग्रामीणों ने बाइक सवार को बचाया, इलाज के लिए भिजवाया गया हॉस्पिटल। फतेहपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हुसैनगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बाइक सवार को बचा लिया गया है, तेज अनियंत्रित बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से पूरी बाइक जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने बाइक सवार को हालांकि बचा लिया है, इलाज के लिए बाइक सवार को हॉस्पिटल भिजवाया गया। लखनऊ में एडीजी एलओ प्रशांत कुमार सड़क पर उतरे, शहीद पथ पर लगा जाम की समस्या को देखकर सड़क पर उतरे एडीजी एलओ। ट्रैफिक पुलिस पर जमकर बरसे एडीजी। रायबरेली में हाई कोर्ट के आदेशों की उड़ी धज्जियां, किसानों के हौसले हुए बुलंद। अंधेरे का फायदा उठाकर किसानों ने जलाई पराली, सूचना के बावजूद नहीं पहुंची पुलिस। मामले की जानकारी लेखपाल और एसडीएम को भी दी गई। थाना बदोकर क्षेत्र के कस्बे का मामला, रायबरेली में हाई कोर्ट के आदेशों की उड़ी धज्जियां। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किसानों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों द्वारा पराली जलाई जा रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर किसानों ने जलाई पराली, सूचना के बावजूद नहीं पहुंची पुलिस। मामले की जानकारी लेखपाल और एसडीएम को भी दी गई। थाना बदोकर क्षेत्र के कस्बे का मामला। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, जिस तरह से पराली जलाई जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, रायबरेली जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये भदोखर थाने के अंतर्गत का मामला है, जहाँ पर खुले आम जो है पराली जलाई जा रही, जबकि पुलिस को भी ग्रामीणों ने सूचना दी है और जो है लेखपाल एसडीएम तक की जानकारी में मामला है, लेकिन मौके पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है जिम्मेदार अधिकारी। जी ओम शंकर, हम ये जानना चाहेंगे कि जिनका खेत है, जिन किसानों का, क्या उनको इस बारे में जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाई हुई है? जी हाँ, जानकारी है, इसी वजह से वो लोग रात के अंधेरे में पराली जलाते हैं। और ये थाना भदोखर के अंतर्गत मामला है, जो जिला मुख्यालय से मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक वहाँ पर जाने की जहमत नहीं उठा पाए और इसी तरह जो है एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जी ओम शंकर, पराली ना जलाएं किसान और पराली का निवारण भी हो जाए, इसके लिए कुछ योजनाएं लाई गई हैं सरकार के द्वारा, क्या वो जनता तक नहीं पहुँच रही, किसानों तक नहीं पहुँच रही है? हाँ, कृषि विज्ञान की तरफ से हुआ है कि जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है पराली जलाने के लिए, लेकिन जो है कहीं ना कहीं किसान जो है ना मानकर जो है वो लगातार पराली जला रहे हैं, जिससे एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अब देखना है कि जिला प्रशासन ऐसे किसानों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। जी, किसानों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रदूषण दूषित हो रहा है, लेकिन जो किसानों की समस्या है पराली को लेकर, उसके लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए?
सरकार को जागरूक करने का इनका अभियान चल रहा है इस समय कृषि विज्ञान केंद्र से, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेलोवर कहा जाए जिला प्रशासन का कि अपनी बात ये किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं, जिससे किसान जल्दबाजी के चक्कर में जो है वो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और पराली जला लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण को बड़ा नुकसान फैलने की आशंका है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी यूपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। समीक्षा अधिकारी में चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र, शाम 5 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। गन्ना मंत्री सुरेश राणा और सुरेश पासी रहेंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी यूपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। समीक्षा अधिकारी में चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र, शाम 5 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। गन्ना मंत्री सुरेश राणा और सुरेश पासी रहेंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी यूपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। समीक्षा अधिकारी में चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र, शाम 5 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। गन्ना मंत्री सुरेश राणा और सुरेश पासी रहेंगे मौजूद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम योगी यूपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। समीक्षा अधिकारी में चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से आज नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी, क्या कहेंगे इस पे? उत्तर प्रदेश में होना है रोजगार को लेकर, और बीते दिनों ये भर्तियां निकली थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, बीएसए डायट प्रवक्ता, गन्ना निरीक्षक, आपके समीक्षा अधिकारी, एआरओ, इसके अलावा आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी, इन लोगों को जो नियुक्ति पत्र है वो देने वाले हैं। और ये कार्यक्रम आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होना है, जिसमें गन्ना मंत्री सुरेश राणा और मंत्री सुरेश पासी मौजूद रहने वाले हैं। शिखर जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो शाम 5 बजे लोक भवन में योगी यूपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र शाम 5 बजे लोक भवन में वितरित करेंगे। समीक्षा अधिकारी में चयनित अधिकारियों को समीक्षा पत्र बांटे जाएंगे। पूरे प्रदेश में कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्तगी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। तिकोनिया कार्ड को लेकर कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। पूरे प्रदेश में कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, तिकोनिया कांड को लेकर कांग्रेसी खोलेंगे मोर्चा। पूरे प्रदेश में कांग्रेस करेंगे प्रदर्शन, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, तिकोनिया कांड को लेकर कांग्रेसी खोलेंगे मोर्चा। पूरे प्रदेश में कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी को बर्खास्त करने की मांग। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, आज कांग्रेस मोर्चा खोलने वाली है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी की बर्खास्तगी को लेकर मांग कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? पहले भी इस तरह की पहले मांग करती आ रही, जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी कांग्रेस के द्वारा हमेशा कहा जाता रहा है कि जिस तरह से अजय मिश्रा टेनी की इसमें संलिप्तता थी, उसके लड़के का नाम आया था, बाद में गिरफ्तारी भी हुई थी, तो कांग्रेस का शुरू से कहना था कि इनको गिरफ्तार करो और इनके खिलाफ एक्शन लेते, इनको इस्तीफा भी इनके लेना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, बड़ा पद है, तो इनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर इनको बर्खास्त करना चाहिए। पर जिस तरह से अभी SIT रिपोर्ट आई थी, SIT रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए हैं, कई धाराएं बदली गई हैं और तमाम चीजें ऐसी साफ हुई है जिसमें उनकी संरचना, उनके लड़के की संरचना साफ, यानी साफ नजर आई है कि इनकी इस मामले में जो लखीमपुर के तिकोनिया कांड था उसमें संरचना थी,
तो इसको देखते हुए कांग्रेस पूरी तरह उग्र हो चुकी है और कांग्रेस का कहना है कि हम अब 16 दिसंबर को देश भर में तमाम जगहों पर आज देशव्यापी जो है ऑपरेशन करेंगे, सब जगह बताएंगे कि इस तरह से यहाँ पर अजय मिश्रा है, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया है और हम इसकी गिरफ्तारी कराएंगे और इनको इसके पद से बर्खास्त करने की मांग कांग्रेस इस प्रदर्शन के माध्यम से करेगी। जी, तो इस पे बीजेपी का क्या कहना है गौर? बीजेपी से अभी कोई बयान नहीं आया है, हालांकि जो जांच बैठी थी, एसआईटी जांच बैठी थी पहले, हालांकि कोई हिला बहाली जरूर हुई थी, पर उसके बाद से लगातार जो संगठन मांग कर रहे थे, और मैं आपको बता दूं किसान संगठन भी जो जब आपका जो कृषि कानून की वापसी का ऐलान होता है उसमें किसान संगठन ने बाद में कहा था कि ठीक है हम भी अपना आंदोलन वापस लेते हैं, और बड़ी बैठक हुई थी उसमें भी ये मांग रखी गई थी कहीं ना कहीं, हालांकि वो मांग स्पष्ट रूप से नहीं रखी थी, सरकार ने जो मांगे ली थी उस पर सहमति बन गई थी, पर उनकी एक मांग ये भी थी और राकेश टिकैत भी कई बार बयान दे चुके हैं कि हम ट्रेनी के इस्तीफे से कम से बात नहीं मानेंगे, अगर ट्रेनी का इस्तीफा नहीं होता है तो हम फिर से आंदोलन करने की कवायद में शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि हाँ भाई क्योंकि जो किसान संगठन है वो भी इसके खिलाफ भी है और इस खिलाफत को जो है कांग्रेस होकर करने में लगी, और निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर उम्मीद की जा सकती है जिस तरह से कल केनी ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की थी, इसके बाद फिर उनको रात को दिल्ली तलब किया गया था, केनी बिल्कुल चुपके से बिल्कुल बिना किसी मीडिया कर्मी से मिले हुए बिना किसी काफिले के लखनऊ एयरपोर्ट आए थे, वहां से दिल्ली तलब किए गए थे, दिल्ली पहुंच गए थे, तो माना बड़ी हलचल मानी जाती है, बीजेपी भी इस मुद्दे पर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेकर इस पूरे मामले को सामने करने का प्रयास करती नजर आएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मैं संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया सामने, मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी के वायरल वीडियो पर दिया बयान, पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार गलत है, अजय मिश्रा ट्रेनी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, इनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी, ट्रेनी को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बड़ा बयान आया सामने, मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी के वायरल वीडियो पर दिया बयान, पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार गलत है, अजय मिश्रा ट्रेनी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, इनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई थी, ट्रेनी को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है, तंज कसते हुए नजर आया अजय मिश्रा ट्रेनी पर, गृह राज्य मंत्री के खिलाफ सियासत तेज, अजय मिश्रा ट्रेनी ने पत्रकारों के साथ किया भद्रता, सिख संगठन अध्यक्ष जसवीर वर्क ने किया पत्रकारों के साथ हुई घटना पर घटना दुखद है बयान दिया है, ट्रेनी तिकुनिया कांड के साजिश करता है। गृह राज्य मंत्री के खिलाफ सियासत तेज, अजय मिश्रा ट्रेनी ने पत्रकारों के साथ किया भद्रता, सिख संगठन अध्यक्ष जसवीर विर्क ने इस पर दिया बयान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।